तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का मेरे चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील। तो ये दोस्तों मेरे पास जो है कुछ एक बालसम बोला जाता है, हिंदी में बोले तो गुल मेहंदी बोला जाता है। गुल मेहंदी की कुछ एक वैरायटी है, 5 वैरायटी है मेरे पास। इसमें अभी फूल आए नहीं है, दूसरी जगह पे आ रखा मगर इस जगह पे नहीं आया है। और ये उसकी दूसरी वैरायटी, और ये तीसरी वैरायटी, और ये चौथी वैरायटी है। और छोटे गमले में ये अभी आपके सामने सारी कटिंगें मैंने आपके सामने ही लगाई है। और ये 5वीं वैरायटी और 6ठी वैरायटी मेरी तैयार हो रही है। और यहाँ कुछ आपके इंडोर वाले प्लांट रखे हुए हैं। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम अपने गुलदाउदी के जो फूल है उसे थोड़ा बड़ा कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बड़ा मतलब जो नॉर्मल साइज़ खिलता है उससे थोड़ा बड़ा आएंगे आपके। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि गुलदाउदी को खाद देनी है, और खाद देंगे जो हम वो रहेगा केमिकल भी रहेगा और साथ में रहेगा ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और केमिकल खाद का मिक्सचर बना के हम देंगे। पर याद रखें जो भी खाद देंगे वो एकदम लिमिटेड होना चाहिए, लिमिट में ही देना चाहिए आपने। तो वो खाद होगी हमारी, ये है DAP और ये है सरसों की खल्ली। और साथ में जो हम देंगे वो होगा हमारा सरसों की खल्ली का पानी, जिसे मैंने 2 दिन भिगाने के बाद उसका लिक्विड फॉर्म तैयार कर लिया है। तो अगर आप अपने गुलदाउदी के फूल को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, मतलब जो आपके नॉर्मल फूल रहते हैं उससे थोड़ा बड़ा आएगा आपका गुलदाउदी का फूल, तो उसके लिए क्या करें कि लिक्विड जो हमें खाद का जो बेस देंगे वो होगा, मिक्सचर रहेगा हमारा खाद का, उसमें जिसमें हम केमिकल भी देंगे और मिक्स खाद भी देंगे। तो उसे देने का तरीका क्या है और प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्या है, अपने गार्डन की मिट्टी, गमले की मिट्टी को थोड़ा सा आप खुरच लीजिए, और इस प्रकार से भुरभुरी मिट्टी है तो इसे थोड़ा सा आपने क्या करना है, थोड़ा सा खोद लेना है। और याद रखिए इसमें हम जो लेंगे वो होगा एक चम्मच, एक छोटा स्पून है, इसे हम डाल देते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से फैला कर डाल देते हैं थोड़ा। और साथ में रहेगा जो हमारा, याद रखिए 4 से 5 दाने, 4 से 5 दाने, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हम ज़्यादा केमिकल खादों को डालते हैं तो हमारा जो पेड़ है, प्लांट है, वो जलता है, वो प्रॉब्लम ज़्यादातर केमिकल खाद से आती है। तो ऐसे करके हम इसको दे देते हैं खाद, और मिट्टी को कर देते हैं कवर। और ये प्लांट अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, ये जस्ट अभी इसको 1 महीना हुआ है, गमले में हमने कटिंग से ग्रो करने के बाद गमले में इसको पॉटिंग किया और इसकी जो टिप तोड़ी है। तो काफ़ी लोगों की कमेंट भी थी कि टिप और प्रूनिंग में क्या अंतर है, पिंचिंग और प्रूनिंग में। देखिए जो हम पिंचिंग करते हैं वो होता है छोटे लेवल में जो की जाती है, कि हमें उसको फैलाना है पेड़ को, तो हम टिप तोड़ते हैं ताकि पेड़ ज़्यादा फैले, उसको कहते हैं हम पिंचिंग। और जो प्रूनिंग होती है वो रहती है कि हम पेड़ को थोड़ा बड़ा, जैसे अभी इसको हमें मान लीजिए कटिंग करना है, कटिंग चाहिए हमें इसकी, तो हम यहाँ से इसको नीचे से कट करेंगे इस जगह से, और इस प्लांट को हम दूसरी जगह पे लगा लेंगे, वो होगी हमारी प्रूनिंग। तो ये चीज़ें हैं, अगर हम इसको अभी और फैलाना चाहते हैं तो हमारा काम बनता है, जैसे मैं अभी आपके सामने करके बता रहा। अगर आप पेड़ को और ज़्यादा फैलाना चाहते हैं तो इसकी जो ये जो टिप है इसको तोड़ लीजिए, ये देखिए जैसे मैंने तोड़ दिया, और इसे फेंक दीजिए, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। तो इस प्रकार से जो करेंगे टिप को आप पक्का तोड़िए, ताकि आपका पेड़ बड़े ज़्यादा लेवल में फैल सके, जैसे ये ऐसे करके तोड़ लीजिए। और इससे क्या रहेगा, आपका जो गमला रहेगा वो भर के आएंगे, ज़्यादा मात्रा में अपने प्लांट निकालेगा। तो देखिए एक ही बार पहले हमने इनकी टिप तोड़ी थी और अभी कितना फैल गया है, और ये देखिए, तो ऐसे करके तोड़ लीजिए। तो हमने इसको खाद दे दिया है, और
अगर चाहें तो इसको मत तोड़िए अभी, इसको थोड़ा बड़ा होने दीजिए, बड़ा होने के बाद अब आप तोड़िए। और ये खाद देने के साथ में हम क्या करेंगे, इसे सरसों की खल्ली का पानी भी देंगे। तो सरसों की खल्ली का पानी वो आप ज़्यादा कम दे सकते हैं। और ये हम डाल रहे हैं आपके सामने, तो हमने इसमें केमिकल खाद भी दे दिया और लिक्विड खाद भी इसको दे दिया है। तो इससे क्या रहेगा कि जो केमिकल खाद है, जब तक अगर आपके गमले में फूल नहीं आते तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा दो बार दे पाएंगे, क्योंकि दो बार से ज़्यादा दे नहीं पाएंगे आप। तो इसे आप महीने में एक बार दीजिए, जो रहेगा एक चम्मच सरसों की खल्ली और 5 से 6 दाने आपके जो रहेंगे वो DAP के रहेंगे। और हर 15 दिन में दीजिए ये खाद, ये आपका सरसों की खल्ली का पानी है, हर 15 दिन में दीजिए। और उसके बाद रिजल्ट देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा फूल आने के बाद। तो मिलता हूँ ऐसे, आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी, मिलता हूँ ऐसी वीडियो ऐसी कंटेंट के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, तब और ढेर सारा फूल पाइए, ढेर सारे फूल, ढेर सारी कलियाँ, और आपकी घर बगिया हमारे बगिया की तरह भरी रहे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।